हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। आज हम आए हैं अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में, जहां पर कला का महाकुंभ लगा हुआ है। संस्कृतियों का समागम यहां पर देखने को मिल रहा है। विभिन्न प्रदेशों के कलाकार यहां पर आए हैं और अपनी कला से पर्यटकों का खूब मनमोह रहे हैं। दूसरे देशों की हस्तशिल्पकारी यहां पर देखने को मिल रही है, तो आपको घुमाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में। चलिए रोजगार के तौर पर रहे सो? रोजगार तो के बस अपना कल्चर न प्रमोट कर रहे हैं जी। रोजगार की तो कोई दिक्कत नहीं है, काम और भी मतलब मजदूरी भी कर सकता हूँ और भी है, लेकिन बस अपना एक कल्चर है जो पगड़ी मारी खत्म हो रहा है, विलुप्त हो गई है। बस उससे न मासिंग पुनिया सर हैं, मैं हूँ और अरविंद राणा सर हैं, बस उस पर एक पगड़ी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उसने बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं बस। तो पगड़ी आड़े छोरे की तो बात सुन ली से, और हम बैठे सा सीधे अपना घर के आगे, इब हम बढ़ांगे अपना घर में, देखांगे आड़े भी के सुतरी सुतरी चीज धरी साओ मारी गेलिया। तो अपना घर के आगे हम आ गए हैं, अपना घर के भीतर चलांगे और देखांगे कि हरियाणा की के कुछ चीज आड़े देखने मिले से। वाह भाई वाह, भीतर आते ही कती घीसा गल गया, चांदना सा हो गया कालजे में। अरे देख सको सो अपना घर में हरियाणा की कितनी चीज आड़े देखने मिल रही है। सारी चीजा ना आपते दिखावांगे। स्कूला के बालक आड़ा रहे से, नौजवान आड़ा आ रहे से, और घनी छोरी भी आड़ा रही से। सारे रंग चाम होकर अपना घर के चीजा ने देखने लाग रहे से। अरे तो शुरुआत करांगे अपना घर में के मैं से आओ आड़े देखो। इस साइड जो से यो काम चलने लग रहा से, अरे हरियाणा में देखा हो कि जुकर गांव देहात की महिला दरी बनाया करे, तो इन ते जाना गे के अंकल जी क्या कर रहे हैं आप? ये है जी, क्या बना रहे हैं? चादर बना रहे हैं जी। चादर बना रहे हो? कब से बना रहे हैं आप? 30-35 साल से बनाते हैं हम यहाँ। यहाँ पे पहली बार आए सूरजकुंड में? दूसरी बार आए हैं। नाम क्या है आपका? मोटू खान। कहाँ से आए हो? पंचकुला। पंचकुला से आए हो, और कैसा लगा सूरजकुंड में आके? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। ये पुश्तैनी काम रहा आपका बनाना? हाँ जी, पुश्तैनी काम रहा आपका बनाना। हाँ जी। अच्छा, तो पहले पड़ाव में हमने देखा कि हरियाणवी महिला जो है वो अक्सर दरी बनाती हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो उन्हीं का ही एक जो प्रकार है यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अपने घर में थोड़ा सा आगे चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे और क्या क्या हरियाणवी संस्कृति का जो परिचायक है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं युवा काफी ज्यादा है, यहाँ पे बड़ा हुक्का यहाँ पर दिखाई दे रहा है और बहुत बड़ी चारपाई जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। हुक्का आप देख सकते हैं कितना बड़ा है यहाँ पर, और छोरी जो दिखने लाग रही से, आसन लाग रही से, कोई सेल्फी लेने लाग रहा है, फोटो खींचने लाग रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी किस तरीके से बड़ी चारपाई है, और हरियाणवी कल्चर का एक जो नमूना है वो अपने घर में यहाँ पर दिखाया गया है, दर्शाया गया है। और इससे आगे और हम देखेंगे यहाँ पर हरियाणवी घरों में जिन चीजों का इस्तेमाल पहले जमाने में किया जाता था वो चीजें यहाँ पर हैं। देखिए इस्त्री रखी हुई है यहाँ पर, यानी कि प्रेस रखी हुई है, लोहे की मोटी मोटी प्रेस यहाँ पर है, घर का सामान यहाँ पर रखा हुआ है, पशुओं का सामान यहाँ पर रखा हुआ है। और हरियाणवी घरों में जो चीजों 80 के जमाने में, 90 के जमाने में जो इस्तेमाल की जाती थी वो चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। ग्लास देख सको सो, देखो पहले के जमाने में इतने बड़े बड़े ग्लास में दूध पिया करते, इतने बड़े बड़े ग्लास में लस्सी पिया करते, लेकिन ये जो से लुप्त तो होने लाग रहे, सही से ग्लास घरा में तपा जाएंगे लेकिन सबके घरा में संदूक में पड़े जरूर पावेंगे। तय हरियाणवी
कल्चर ने दिखाता और बताता इस अपना घर में हम आपने दिखाने लाग रहे सा हरियाणा की में पुरानी चीज जो हमारे घर में इस्तेमाल होया करती लेकिन ईब हमारे घर में इस्तेमाल कौन या हुंदी से। आप इस साइड भी देखो पहला घड़ी नहीं होया करती ते टाइम नापन का जो तरीका से वो पानी में इस तरीके के बर्तन ने गेर के पानी नापया करते वे के पानी नाप के ने वो टाइम का बेरा लगाया करते। तो जब घड़ी नहीं थी मोबाइल फोन नहीं थे तो समय का बेरा पाटन ताई वे इस तरीके से जो है अपना कुछ देखा करते कि भाई कितना टाइम हो गया कितना नहीं। अरे छोरे भी बैठे से इनते भी जानेंगे कि ये अरे लोग बताने लाग रहे से ये किसने लगा रखा है इनकी बार अपना घर जी। मां सिंह पुनिया सर ने लगा रखा सर यो जी बटेऊ गिलास है। अच्छा। जो पहले लोग मतलब आ करते ना बटेऊ तो इनमें घी घी दूध दही लस्सी मतलब डाल के दिया करते इनमें वो पिया भी नहीं जा करता छोड़ दिया करते जिद्दी में बांध दिया। तो पहले तब घरों में बेटी का पति आया करता यानी कि हरियाणवी में जब बटे हुए आया करते ना तो उनकी बहुत बढ़िया खातिरदारी करा। सो हरियाणा की संस्कृति की वह बढ़िया सुतरी चीज से जो आज हमारे घर में हमारी जनरेशन ने देखने ने नहीं मिल रही से। हमारे बड़े बुजुर्गान ने जब ये चीज हम दिखाने लाग रहे सा तो उनकी याद ताजा हो जाएंगी कि उनके जमाने में तो ये चीज थी लेकिन आज के टाइम में तो इसी चीज को से बाहर निकलेंगे और भी देखेंगे अड़ के किमस है अपने घर में आओ बार टपड़ा घर में हम दिखाने लाग रहे सा हरियाणवी कल्चर की पुरानी पुरानी चीज। अरे देखो आपने चाकी पहले के जमाने की महिलाएं जो थी जब इलेक्ट्रॉनिक चाकी नहीं होया करती इस तरीके की चक्की होया करती इसके बीच में जो है गेहूं डाला करते और फिर इसने घुमाया करते इस तरीके से और फिर जो है वो आटा ये नू लिखड़ा करे था जो करियो ये बाप देखने लाग रहे सो। तो पहले की महिलाओं का जो जीवन था वो जीवन कितना संघर्षमयी था किस तरीके से वो सुबह उठा करती रई लगाया करती उसके बाद देखा करती दाल डोकी करके कि आज के बनाना खाना से तब वह फिर इस चाकी में गेहूं घेरा करती और फिर न्यू करके ने पीसा करती उसने। तो ये जो चीज हम दिखाने लाग रहे सा हमारे हरियाणवी घर में बहुत कम से लेकिन कितना कितना हमारे इस प्रोग्राम ने देख के हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारी जो बड़ी महिलाएं हैं उनकी याद जरूर ताजा हो जाएगी। एक गाना भी है चक्की जो से घनी भारी हो वैसे तय कहने लाग रही से अके कौन सा गाना से वो चक्की का था चक्की वाला आटा खावे कौन सी चक्की का आटा खावे है। अच्छा कौन सी चक्की का आटा खावे से कौन सा चक्की का आटा खावे खूब निखरती आवे कौन सी चक्की का आटा खावे। तो पहले जमाने की महिला तो इससे चक्की का आटा खाया करती पूरे नाप देख सको सो गंडासा से आ रहे हरियाणा दो प्रकार के हो जी। अरे यो गंडासा जो से मेरे पे तो इल्दा नहीं और मेरे पे तो चाले भी कोना। तो पशुओं को जब चारा काटा जाता है तो इस गंडासों को इस्तेमाल करा जाता है। हालांकि हरियाणा में एक और शब्द है जब सुतरी छोरी होवे तो उसने भी इस नाम तो बोल लिया करें लेकिन अमूमन तौर पे वो जो शब्द है वो शब्द थोड़ा सा अशालीनता के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है लेकिन ये जो देख रहे हैं आप पशुओं के लिए हर हरियाणवी घर में इस्तेमाल करा जाता है। लेकिन अब जो है बिजली के गंडासे हो गए इसे गंडासे जो बहुत कम क्योंकि आज की जनरेशन जो है वो इन चीजा ने नहीं संभाल पा रही है। असल में तो सब नु सोचे हैं कि उनका जीवन जो है और भी घना सरल हो और भी घना आसान हो। तो हमने जो से अपने घर की सारी चीज आप लोग दिखा दी से पूरे नए एक और सेल्फी पॉइंट आपने दिखने लाग रहा से देखो भाई बड़ा सुथरा सेल्फी स्टैंड हाड़ पे ये आ रहे हैं छोरा छोरी फोटो खिंचवाने लाग रहे से और हालांकि शर्मा के चले गए से लेकिन मैं देखूंगी भाई मेरी सेल्फी किसी का ही से या इसमें मन ने भी सेल्फी ले ली से। अरे आगे तो हमारे कैमरा मैन ने बहुत बढ़िया फ्रेम भी बना दिया से मेरा तो यो से सेल्फी स्टैंड सूरज कुंड में जो कि देखने मिल रहा से इस अपने घर में देखने मिल रहा से। तो हमने आपने सारा अपना घर घुमा दिया से हरियाणा की केकी में आड़े पुरानी चीज से सारी दिखा दी से। इब सूरज कुंड मेले की ओर चलेंगे उड़े भी देखेंगे कि इस मेले में इब की बार केकी में खास आ रहा सा आओ मारी गिल्ला फिलहाल हम खड़े हैं ट्यूनिशिया की इस स्टॉल में जहाँ पर मेन तौर पर जो है हमें लकड़ी की चीजें दिखाई दे रही हैं और कितनी खूबसूरती से ये लकड़ी की चीजें जो है यहाँ पर बनाई गई है। ट्यूनिशिया की ये स्टॉल है हम आपको दिखा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में न सिर्फ हरियाणा के कलाकार बल्कि बाहर से भी जो कलाकार है वो भी आए हैं और हस्तशिल्पी हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लकड़ी की कितनी सारी चीजें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं और लकड़ी के घर के सामान भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं।
और बड़ी खूबसूरती से यहाँ पर सजाने वाले सामान भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं. सर, व्हाट्स योर एक्सपीरियंस इन दिस सूरजकुंड फेयर? दिस इज माय फाइव टाइम्स दैट आई केम हियर सिंस 2016. आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज़ आई गेट गुड रिस्पांस हियर इन सूरजकुंड नीला फॉर माय स्पेशल एंड माय यूनिक प्रोडक्ट. माय प्रोडक्ट इज ओनली फूड, इट्स ऑल हैंडमेड एंड क्राफ्ट्स फ्रॉम टूनिशिया. What's the quality of your products? It's from wood. Yes, this is from a special type of wood. This is made from olive wood. It's come from the olive tree. This is very specific wood because this is a hard wood and healthy wood and safe wood and durable. Each piece can be stay forever for a long time. Another thing, it's nice with the green. The type of the green of the wood is very green. It's full of the green. That's give more value for the product, the type of the wood. तो इनका कहना है कि ये जो लकड़ी है और ये लकड़ी जो है काफी वक्त तक चलते रहे हैं कि इनके जो प्रोडक्ट है वो सेहत के लिए भी काफी अच्छे हैं और बहुत ही लाइफ टाइम तक चलने वाले इनके जो प्रोडक्ट है वो है. तो आप ट्यूनिशिया की स्टॉल देख सकते हैं, बेहद खूबसूरत तरीके से इन्होंने जो है लकड़ी से चीजें बनाई हुई हैं और लकड़ी से घरेलू सामान बनाया हुआ है और लकड़ी से काफी सारी चीजें यहाँ पर बनाई गई हैं. अब आगे बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में, देखते हैं कि और दूसरे स्टॉल्स में क्या क्या खास चीज जो है अबकी बार इस मेले में देखने को मिल रही है. मेला हो और उस मेले में जो है सजावट का सामान हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. आप देख सकते हैं कि मेले में जो है सजावट के सामान के साथ यहाँ पर लड़कियों के इयररिंग्स भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग तरीके के बड़े सुंदर इयररिंग्स हैं यहाँ पर. मैम, मेले में कब से कब तक आते हैं आप? मेले में मैं हर साल आती हूँ. हर साल आती हैं जी, और यहाँ की ज्वेलरी मुझे बहुत अच्छी लगती है. आपकी बार का कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपकी बार काफी डिफरेंट है, वेराइटी भी ज्यादा और रीजनेबल भी है. अच्छा, जैसे ये वाला, ये 100 का बता रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट है और ये डिजाइन बिल्कुल अलग है. कॉमन डिजाइन ये, इसलिए मुझे थोड़ा सा अलग डिजाइन होता है, इसलिए मुझे अच्छा लगा. तो इस मेले में आके जो है लड़कियों को भी अपनी पसंदीदा चीजें यहाँ पर मिल रही हैं, सजावट की बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिल रही हैं और झुमके, बाड़े और नेक पीसेस जो है वो भी यहाँ पर मिल रही हैं. क्या खरीदा जी? अभी तक कुछ नहीं खरीदा है, इतना महंगा है, क्या खरीदेंगे. अच्छा, घना महंगा लग गया, क्यों कर लग गया? सब कुछ इतना महंगा, एक इयररिंग्स पूछते हैं वो भी 150-150 के हैं. तो इनसे पूछेंगे भैया सस्ती चीज क्यों नहीं लगा रहे, इयररिंग्स 150-150 के बताने लग रहे. हमारे इधर सब 50 रुपीज के इयररिंग्स, कोई भी इयररिंग्स ले लो 50 में. आप जो है ठीक स्टॉल पे आई है, इनके यहाँ जो इयररिंग्स बताए 50-50 मेले में आना किसा रहा? बढ़िया नहीं लग गया? क्यों? कुछ खरीदने के लिए लेके आए थे, वो इतना अच्छा कुछ लगता है तो इतने महंगे बोलते हैं, क्या खरीदे. अंकल किसा लगे मेले में आके? बढ़िया लगे. आंटी ने गुमान लेकर आए थे आप आए? हाँ, गुमान भी लेना है सर, अपना भी है सर. और मेले में अपना हरियाणवी कल्चर देखा, दूसरे देश देखे, किसा महसूस होया? ये अच्छा लगता है, यहाँ एक तरह का पूरा भारत इकट्ठा हो जाता है. अलग अलग प्रांतों के लोग अपने अपनी कला लेके आते हैं, कोई दरी बना रहा है, कोई कुछ और, कोई लकड़ी की आर्ट है, सबका बहुत अच्छा है और हर बार आते हैं हम देश. तो इस मेले को देखकर अंकल आंटी जो है वो बड़े खुश दिखाई दे रहे. युवाओं की बात करें तो वो भी बड़े उत्साहित यहाँ पर नजर आए. मेले में आकर कैसा लगा? जी बहुत अच्छा लगा. अच्छा, बहुत अच्छा लगा. क्या क्या खरीदा? अभी तो कुछ नहीं, अभी स्टार्टिंग करी है. अच्छा, अभी स्टार्टिंग करी है. ये मैम है, यहाँ पर कुछ खा पी रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब करना चाहेंगे. कैसा लगा फिर में आके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा. चौथी बार आई हूँ. चौथी बार आई हूँ. आप तो इलाहाबाद? इलाहाबाद से आई है मेला. क्या खास लगता है यहाँ का? बहुत अच्छे हैं, वहाँ से खरीदा. ऑन द होल इट इज वेरी गुड, वेरी एंटरटेनिंग, वेरी गुड. अम्मा जी, लग रही है आपकी उम्र देखिए, आप बड़े घुमंतु प्रवृत्ति के, बड़े ट्रेवलर टाइप हैं आप हैं और आप इस उम्र में जो है वो घूम रही है लगातार. तो क्या हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे? जीना जीवन है, जीना कला है. मैसेज हमारे दर्शकों को, आप जैसे लगातार जो है ये घूम रही है और इस उम्र में भी आप देख सकते किस तरीके से ये जो है इलाहाबाद से यहाँ पर आई है. अभी इतना हमने तारीफ यहाँ का सुना था, तब इलाहाबाद से आए चाहते हर कोई देखे. तो कह रहे हैं कि इलाहाबाद से यहाँ पर आए हैं और इन्होंने देखा यहाँ पर
बड़ा एंजॉय किया इन्होंने, और जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं वो इस मेले में जरूर आए और इस मेले को जरूर देखकर गए। और भी स्टॉल्स में जा रहे हैं, स्टॉल्स में और भी देखेंगे कि क्या कुछ खास जो है अब की बार इस फेयर में देखने को मिल रहा है। कहाँ से आए हैं? रोड तक आए हो। मेले में किसा लग गया? मेले में पहली बार आए थे, कुछ ज्यादा उम्मीद लेके आए थे, पर वो उम्मीद मिली नहीं। आप न्यू क्यूब कर एडवेंचर वगैरह कुछ होना चाहिए था ना, तो कुछ झूले वगैरह यहाँ पर कुछ एक्टिविटी वगैरह नहीं, यहाँ पर एक्टिविटी वगैरह होनी चाहिए थी ना, या घूमने लायक, घूमने के अलावा और हमारे लायक कुछ भी सामान नहीं मिलता जाता था यहाँ पे लेडीज। तो इस फेयर से एक शिकायत भी आई है लड़के की ओर से कि भाई लड़कों के लिए सामान नहीं मिलता, सारा सामान जो है लड़कियों के लिए है, कपड़े लड़कियों के लिए है, सजावट के जो या श्रृंगार की जो चीजें वो लड़कियों के लिए, तो लड़कों के लिए कुछ होना चाहिए, एक शिकायत जो है लड़के की ओर से आई है। और क्या शिकायतें हैं? नहीं और तो ज्यादा बंजी जंपिंग तो आओ। अच्छा, बस यही शिकायत है। आपको कैसा लगा मेले में आकर? मेले में आके बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है, लेकिन लड़कों का यहाँ पे सामान बहुत काफी कम है, लड़कियों का ज्यादा है यहाँ पे। अच्छा, बस की ओर से भी सेम वही शिकायत आई है कि मेले में लड़कों का सामान बहुत कम है, लड़कियों का सामान बहुत ज्यादा है, शिकायत आपकी? और खाने वाने की व्यवस्था बहुत अच्छी है, वैसे बहुत अच्छा है मेले में देखने के लिए, हर चीज है ना बहुत अच्छी है, जो भी सब बता है, जैसे बात करने का तरीका है, जैसे देश विदेश से लोग आए हुए हैं उनकी बात करने का अलग अलग नजरिया, बहुत अच्छा लगा। तो इनका कहना है कि विभिन्नताओं में जो एकता है इस मेले में देखने को मिल रही है। इसके अलावा वही शिकायत है कि छोरिया का सामान तक कम मिला है, लेकिन छोरिया का सामान जो साढ़े घड़ा मिलने लग रहा है। मेले में और भी आगे बढ़ेंगे, और भी स्टोर्स देखेंगे कि और क्या क्या जो चीजें हैं यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर जो स्टॉल है ये पूछते हैं मैम, ये स्टॉल कहाँ की है? तो ये जो स्टॉल है ये विदेश की लग रही है, और ये है लिबेना की, ये जो स्टॉल है यहाँ पर आप देख सकते हो, वहाँ की जो है यहाँ की आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे ईयरिंग्स यहाँ पर है, ईयरिंग्स यहाँ पर है। और इसी के साथ आप ये भी देख सकते हो कि लेबनान की इस देश में जिस तरीके से वहाँ पे कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं, वो कलाकृति आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। लेबनान की ये जो है स्टॉल है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से जो है ये स्टॉल सजाई हुई है। और ये खास तौर पे हम विदेशी फिल्मों में इस तरीके के जो रंगीनियत जो है या फिर इस तरीके के जो अट्रैक्टिव जो चीजें हैं वो वहाँ पर देखते हैं, लेकिन अब की बार सूरजकुंड मेले में भी इस तरीके की जो अलग सी चीजें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए आप, ये कपड़े से ही ये जो बनाया हुआ है नेक पीस है। आगे वाली स्टॉल में बढ़ेंगे, आगे वाली स्टॉल जो है वो भी विदेशी स्टॉल है, और यहाँ पर भी जानेंगे क्या बेच रहे हैं। मैम आपकी स्टॉल में क्या खास चीजें हैं जी? प्लीज डिस्क्राइब यूर प्रोडक्ट्स इन योर स्टॉल। अच्छा, तो ये इंग्लिश भी नहीं जानते, तो ये जो है बता रहे हैं कि इनकी स्टॉल में भी मसाले दिख रहे हैं, और इनके स्टॉल के अलावा भी कई तरीके की जो चीजें हैं वो भी दिख रही हैं। तो और भी स्टॉल जो है हम आपको दिखा रहे हैं, और देख सकते हैं आप यहाँ पर किस तरीके से जो है हैंडमेड स्कार्फ, वूल और सिल्क की चीजें मिल रही हैं। आपके स्टॉल में खास तौर पे क्या है? What's best in your stall? Kyrgyzstan? तो किर्गिस्तान से ये लोग आए हैं, और अंग्रेजी जो है ये भी नहीं समझ पा रहे हैं, हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ऊन से बनाए हुए प्रोडक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे, सिल्क से, ऊन से बड़े ही खूबसूरत तरीके से इनको बनाया हुआ है। और इनसे पूछते हैं हैंडमेड स्कार्फ जो है अब की बार पर्यटकों को कितने पसंद आ रहे हैं, लोग इनको कितना सराहा रहे हैं, इनसे बात करते हैं। इसका प्राइस क्या है? मैम एक्सपीरियंस कैसा रहा अब की बार फेयर का? व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? वेल, वी लाइक्ड वेरी मच सूरजकुंड मेला फेयर, इट इज आवर सेकंड टाइम, वेलकम टू किर्गिस्तान स्टॉल्स, दीज आर pure silk and woolen scarves. And this one? This one is for 1500. Pure wool and silk. This is hairpins, toys, old toys. तो यहाँ पे जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं ये सारी की सारी चीजें जो है हैंडमेड है, और ऊन से बनाई हुई है, सिल्क से बनाई हुई ये चीजें हैं, और खूबसूरत तरीके से सूरजकुंड मेले में आप देख सकते हैं। ये विदेशी चीजें हम फिल्मों में देखते हैं, इस तरीके की जो अट्रैक्टिव चीजें हैं, जो सिलेक्टिव चीजें हैं
फिल्मों में देखने को मिलती है, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी उनसे बनी हुई जो चीजें दिखाई दे रही हैं और पहनने के भी जो दुपट्टे हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। ये सभी जो है सिल्क के हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिल्क का कितना खूबसूरत तरीके का ये दुपट्टा, ये स्टॉल, ये स्कार्फ है। और यहाँ भी जो है उनकी बनी हुई चीजें आपको दिखाई दे रही है। तो सूरजकुंड मेले में खास तौर पर जो है विदेशी जो लोग हैं वो भी आए हैं, अपने स्टॉलों को वो सजा रहे हैं और इन स्टॉलों के साथ साथ वो दिखा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में विदेशी रंग भी। तो इन्हीं रंगों के बीच हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या स्टॉल्स में खास है। चलिए, सूरजकुंड मेले में कलाकार अपना अभिनय भी दिखा रहे हैं, अपनी कलाकारी के जरिए पर्यटकों का खूब मनमोह भी रहे हैं। हमारे साथ एक कलाकार हैं और इनकी जो वेशभूषा है आप देख सकते हैं लोगों को बड़ी आकर्षित कर रही है। कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान से। नाम क्या है? जी नाम आदिवासी। आप ये काम कब कब करते हो अभिनय का? इसके अलावा क्या करते हैं आप? बस यही करता हूँ। अभिनय ही करते हैं, तो इनसे क्या घर परिवार चल पाता है आपका? करे टाइम पास हो जाता है। और इसके अलावा अगर एजुकेशन की बात करें तो वो कितनी रही आपकी? एजुकेशन कम रही क्योंकि घर में स्थिति ऐसी नहीं थी जो एजुकेशन कर पाते, तो जल्दी इस काम में लगना पड़ा, अपने घर को संभालना पड़ा, इस कारण से मैं एजुकेशन नहीं करता। एक पुरुष होने के बावजूद इतनी सारी जो चीजें आप कैरी करते हैं, कितना मुश्किलात भरा होता है ये? मुश्किल बहुत होता है क्योंकि मेकअप जो है मेरे चेहरे को खराब करता है, ड्रेसिंग पूरी तैयार करनी पड़ती है, सुबह तैयार होने में कम से कम 2 घंटे लगते हैं। अब उसको तैयार होने के बाद मैं पब्लिक में आता हूँ, तब जाकर शाम को यहाँ से जाता हूँ। परेशानी तो बहुत उठानी पड़ती है, मगर लोगों को मनोरंजन के लिए मनाना पड़ता है। मनोरंजन करना परिस्थितियों पर निर्भर रहा है, आपकी चॉइस रही? परिस्थितियों पर निर्भर रहा है, नहीं तो मेरी चॉइस ऐसी नहीं थी, मेरी चॉइस तो मैं थी, मगर अब परिस्थिति ऐसी थी कि कारण नहीं कर रहा। तो इनका कहना है कि घर चलाने के लिए जो है ये इस तरीके से सजते हैं, इस तरीके से लोगों के बीच में आते हैं। वाकई ये विडंबना है उन कलाकारों के लिए जिन कलाकारों के साथ सेल्फी हम जरूर खींचा लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो पीछे की जो परिस्थितियां होती हैं, पीछे की जो कहानी होती है, उनसे हम ना रूबरू हो पाते और ना उनके दुख को ना उनके दर्द को समझ पाते। तो अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में हमने दिखाया विभिन्न देशों की संस्कृतियों का संगम। ये महाकुंभ जो हर साल अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में देखने को मिलता है, तो आज हमने पूरा मेला घुमाया, कलाकार दिखाए, हमारे हरियाणा का कल्चर दिखाया, थीम स्टेट जो इनकी गेड़ हिमाचल से उसके कलाकार से भी मिलवाए। तो पूरा मेला घुमाने के बाद हम फिर आपने मिलांगे अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड के हमारे अगले प्रोग्राम में। राम राम और देखते रहियो हरियाणा न्यूज।